बेटा बस प्लीज। हाँ जी बेटा, तो लेट अस स्टार्ट। हमारे पास जो है हम लोग करेंगे जो क्वेश्चन लास्ट हो गए, क्वेश्चन नंबर सिक्स। वी हैव टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स बेटा फ्रॉम द एक्सरसाइज 7.4। प्लीज नोट इट डाउन इन द स्टेटमेंट। इट इज रिटन दैट द वर्टिसेस। ओके। फर्स्टली वी विल डू द क्वेश्चन नंबर फिफ्थ फॉर यू। ओके चलिए, पेज 171, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। द क्लास 10 स्टूडेंट्स ऑफ अ सेकेंडरी स्कूल इन जो है पर्टिकुलर एरिया बेटा हैज बीन अलॉटेड ए रेक्टेंगुलर प्लॉट। वहां पर एक रेक्टेंगुलर प्लॉट जो है वो हमें दिया हुआ है और कहा गया है बेटा फॉर देयर गार्डनिंग एक्टिविटी। सैपलिंग ऑफ जो बेटा गुलमोहर आर प्लांट ऑन द बाउंड्री एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। मतलब यहाँ पर हमने गुलमोहर ट्रीज लगाए हैं 1 1 मीटर की दूरी पे। सेम इधर भी, सेम इधर भी और सेम इस साइड पे भी। ओके जी। अब बेटा यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स हमें वर्टिसेस मेंशन है उस प्लॉट के ए बी सी डी। नाउ व्हाट इज रिटन हियर, देयर इज अ ट्रायंगुलर ग्रासी लॉन इन ए प्लॉट एज शोन इन द फिगर। यहां पर उसने मेरे को बताया है कि एक ना ग्रासी लॉन है ऐसे क्यू पी और आर। ठीक है जी। अब उसने कहा है और उसने ना वो कॉरेस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स भी दिए। मैंने एक रफ इमेज बनाई है, अगर आप बुक में देखोगे तो आपको प्रॉपरली कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे। कैसे कोऑर्डिनेट्स पता चलेंगे देखिए। अब उसने आगे क्या कहा, द स्टूडेंट आर टू नाउ सो सीड्स जो है ऑफ फ्लावरिंग प्लांट ऑन द रिमेनिंग एरिया ऑफ द प्लॉट। उसने कहा है कि इस ग्रासी लॉन को छोड़ के बाकी सारी जगह पे हमने क्या करना है, सीड्स जो है वो यहां पर उसने सो करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा अगर मैं ए को ओरिजिन मानू तो आप बताइए कि वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल क्या है। वो कैसे मार्क करोगे, अगर आप बुक में देखोगे सब बच्चे तो जो कोऑर्डिनेट क्यू है वो कहां पर है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एक्स एक्सिस। ये ओरिजिन है तो ये एक्स एक्सिस बन गया, ये वाई एक्सिस बन गई। तो बेटा 100% यहां पर 3 पे है और अगर इधर देखोगे तो वो 2 पे। ओके जी। ऐसे ही अगर मैं आर के कोऑर्डिनेट देखूं तो यहां इस तरफ 6 पे आ रहा है और इस तरफ 5 पे आ रहा है, तो 6.5। ओके जी। नेक्स्ट बेटा अगर पी के कोऑर्डिनेट देखूं, देखो मैंने तो रफ सा बनाया है, बेसिकली वो ऐसे है पी कोऑर्डिनेट, यहां पर 4 और दूसरी तरफ वो 6, यहां पर 1 2 3 4 5 6 पे आ रहा है तो इसीलिए उसने 6 लिखे। तीनों के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए पी क्यू आर के। अब बेटा नेक्स्ट में उसने क्या लिखा है, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इफ सी इज एन ओरिजिन। अब सी ओरिजिन है, अब बच्चे क्या करते हैं इसको ना ऐसे मान लेते हैं ऐसे, और वो कहते हैं मैम यहां से कोऑर्डिनेट देखे तो ये तो नेगेटिव हो गया। दैट इज रॉन्ग बेटा। सी ओरिजिन का मतलब है अब आप इस साइड पे खड़े हो, आप इस साइड पे खड़े हो, ये एक्स एक्सिस होगी और ये वाई एक्सिस। अगर मैं बुक को ऐसे उल्टी कर दूं, ये देखिए ये सी ओरिजिन हो गया, हुआ ना, और इधर एक्स एक्सिस ऊपर को वाई एक्सिस, मैंने बुक को उल्टी कर लिया। तो अब आप देखिए कि अगर मेरे पास सी ओरिजिन है तो मेरे पास पी के कोऑर्डिनेट्स बेटा क्या बनेंगे, इधर से काउंट कर लेना 1 2 3, अपनी बुक में काउंट कीजिए वो कितने पॉइंट्स में जाके इधर से 1 2 3 4 5
मैंने तो यहाँ सिक्स पे बनाया है, लेकिन अगर आप बुक में देखोगे ना तो 12 पे बन रहा है। ओके जी, कहां पर बन रहा है? 12 पे। तो दैट मीन्स व्हेन सी इज ओरिजिन, तो मेरे पास कोऑर्डिनेट 12 कॉमा, और नीचे को अगर मैं देखूं तो वो 2 पे शो हो रहा है, तो दैट मीन्स 12 कॉमा 2, ये किसके कोऑर्डिनेट्स हो गए? पी के। ओके जी, नॉर्मली बच्चे वो क्या करते हैं, वो ट्रीट करते हैं इसको, मैम -12 ले लीजिए इसको इधर, दैट इज रॉन्ग। हमने ओरिजिन लिया तो दैट मीन्स हम अपनी, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ ट्रीज है, वो कभी नेगेटिव डायरेक्शन में हो सकते हैं? नहीं हो सकती ना उसकी पोजीशन, तो इसीलिए हमने उसको उल्टा कर लिया टू गेट द एक्यूरेट पॉइंट। ठीक है जी। नाउ ऐसे ही आप आर के कोऑर्डिनेट्स देखिए, वो क्या हो गए? 10.3। और क्यू के देखिए 13.6। क्लियर टू एवरीवन? इतनी स्पीड ठीक है मेरी? चले गुड। इसके बाद उन्होंने लिखा है ऑल्सो कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्रायंगल, दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस, वो काट दीजिए। ओके बेटा, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सिक्स। बेटा बस, हाँ जी, कोऑर्डिनेट्स ही लिखने हम, ठीक है? नेक्स्ट बेटा, नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज। हाँ जी बेटा, द वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर, मुझे एक ए बी सी ट्रायंगल है, उनके वर्टेसेस दिए हुए हैं, मार्क ए एज 4.6, बी एज 1, जो गए 5, एंड सी एज 7.2। नाउ व्हाट इज रिटन हियर? अ लाइन इज ड्रॉन टू इंटरसेक्ट साइड ए बी एंड ए सी एट डी एंड ई रिस्पेक्टिवली। हाँ जी, क्या हो गया बेटा? हाँ जी बेटा, अब उसने कहा एक लाइन ड्रॉ करनी है मैंने, जो ए बी और ए सी को उसने कहा कि इंटरसेक्ट कर रही है मेरे पास डी और ई पॉइंट पे, सच दैट मेरे पास ए डी ओवर ए बी और ए ओवर ए सी जो है वो 1:4 है। तो उसने कहा है आगे, कैलकुलेट द एरिया ऑफ, फिर एरिया की बात हो रही है तो इस कॉन्सेप्ट का हम कुछ नहीं कर सकते, इस क्वेश्चन में हम कुछ भी नहीं बता सकते हैं कि, क्योंकि उन्होंने एरिया का कंपैरिजन करने को कहा है, तो क्या हमारे पास ये क्वेश्चन एरिया वाला सिलेबस में नहीं है? ओके, तो दैट क्वेश्चन इज ऑल्सो डिलीटेड। और यहां लिखा हुआ है कि इस थ्योरम को वेरीफाई करो, क्योंकि वो थ्योरम ही एरिया के साथ रिलेटेड है, तो हमें करने की कोई जरूरत नहीं। ओके बेटा, क्लियर? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सेवेंथ। मैंने इसीलिए आपको रीड करके बताया कि आपको पता चले, आपको भी पता होना चाहिए कौन सा क्वेश्चन कैसे पता चल रहा है कि सिलेबस में है कि नहीं। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सेवेंथ। अब बेटा देखिए, क्वेश्चन नंबर सेवेंथ में ट्रायंगल जो है उसने कहा हुआ है एबीसी में, ट्रायंगल एबीसी में कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं ए के 4.2, बी के 6.5, सी के 1.4, वर्टिसेस दिए हुए हैं ट्रायंगल के। नाउ द मीडियन फ्रॉम ए मीट बी सी एट डी, उसने कहा एक मीडियन, मीडियन क्या होता है? मिड पॉइंट जो गए, उसने कहा ए से बी सी पर, ऐसे जो डी है वो किसका मिड पॉइंट है? यहां पर लिखा है कि फ्रॉम ए मीट बी सी एट डी, और अगर मीडियन ड्रॉ किया है तो 100%। देखो डी पॉइंट कौन सी लाइन पे लाई कर रहा है? बी सी पे, तो बेटा बी सी का ही होगा ना, आप कैसे कह सकते हो ए सी का? जिस जो पॉइंट जिस लाइन सेगमेंट में होता है उसी का वो मिड पॉइंट होता है। ओके बेटा, हाँ जी बेटा, यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पे देखिए, ड्राइंग बाद में कर लेना,
हाँ जी प्लीज पे अटेंशन हियर। हाँ जी सबसे पहले उसने कहा है कि आप कोऑर्डिनेट डी के कैलकुलेट करो। अब डी के कोऑर्डिनेट मतलब क्या, ये मिड पॉइंट है तो हम सीधा ही क्या करें, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दें। तो डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हाँ जी 6 + 1/2 5 + 4/2 कैलकुलेट कर लोगे, क्योंकि मिड पॉइंट फॉर्मूला आता है सबको। पक्का जी चलूं आगे। हाँ जी नेक्स्ट सेकंड पार्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी। अब उसने कहा पी के कोऑर्डिनेट निकालिए मेरे पास ऑन ए डी। ए डी का है मेरे पास ये वाला, यहां पर कोई पी पॉइंट है मुझे नहीं पता कहां पर है। कैसे, उसने कहा सच दैट ए पी रेशियो पी डी, वो रेशियो कितनी है 2:1। जैसे उसने मीडियन पे कोई पॉइंट कहा ना कि कोई पॉइंट है मेरे पास पी और उसकी रेशियो 2:1 है, तो आपको पता चलना चाहिए ये जो पॉइंट है ना ये बेसिकली क्या है, सेंट्रोइड। क्योंकि हम तो बात कर रहे हैं एमसीक्यू टाइप की, एमसीक्यू में किसी ने मेथड नहीं ना देखना। अगर मेथड नहीं देखना तो आपको कोई रेशियो का कॉन्सेप्ट नहीं लगाना चाहिए। क्या करना चाहिए, सीधा सेंट्रोइड का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, वो कैसे x1 + x2 + x3 / 3, y1 + y2 + y3 / 3 किया था कि नहीं। अगर मैं सेक्शन फॉर्मूले से भी लगाऊं, कैसे, इसके कोऑर्डिनेट मैंने कैलकुलेट किए, ये एक लाइन हो गई, 2 ऊपर रेशियो है 1 नीचे रेशियो है, ये गलती नहीं करनी। यहां काफी बच्चे जो है ये मिस्टेक करते हैं, क्या मिस्टेक करते हैं कि वो 2 इधर लिख देते हैं 1 इधर लिख देते हैं। मुझे कैसे पता चला, क्योंकि एपी एपी कहां है, ऊपर है, तो जहां ऊपर है वही रेशियो पहली वाली आएगी ना, आएगी कि नहीं आएगी। तो दैट मींस अगर आपने सेक्शन फॉर्मूले से भी लगाना है, इधर ए लिख दो, इधर डी लिख दो, इधर पी लिख दो, 2:1 4:2 यहां पर 7/2 यहां 9/2 लिख सकते हो कि नहीं, अपने आप पी के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। ये वही आएंगे जो सेंट्रोइड की हेल्प से निकालते, मेरी बात समझ आई, मैंने दोनों तरीके से आपको बता दी। बेटा मैं आपको 2 मेथड से बोला है, अगर सेक्शन फॉर्मूले से लगाते हो फिर तो सिंपल जो हमने किया था कि m इंटू एक्स टू प्लस एन इंटू एक्स वन बाय एम प्लस एन। बेटा पानी पिया जाके प्लीज, जा मेरा बेटा, जाओ जाओ, शाबाश, गो गो एंड वॉश योर फेस, बी एक्टिव इन द क्लास बेटा, आई अंडरस्टैंड, ठीक है, बट बी एक्टिव, 2 मिनट जाके बाहर बेटा चक्कर लगाओ, जाओ नाउ, ओके, अब नहीं सोना, ठीक है। चलिए प्लीज, मैंने आपको शॉर्टकट बताया था कि मुझे ये पता चल गया कि ये सेंट्रोइड है, अगर ये सेंट्रोइड है तो मैं डायरेक्ट भी फॉर्मूला लगा सकती थी, x1 + x2 + x3 / 3 y1 + y2 + y3 / 3, एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए मैंने ये ट्रिक बताया आपको। कम टू नेक्स्ट पार्ट बेटा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट क्यू एंड आर ऑन मीडियंस बीई। अब अगर मैंने कोई बीई और सीएफ, बेटा इनके कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने हैं, ये भी तो सेंट्रोइड वाले ही आएंगे। रीजन, ये पॉइंट क्या है, मीडियन पे है, और हमें पता है जो सारे मीडियंस है वो कहां मिलते हैं, जाके सेंट्रोइड पे ही मिलते हैं, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व हियर, दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स ना जो डिवाइड करता है 2:1 में, वो क्या है, सेम, और उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंट्रोइड। ये बात तो मैंने आपको पहले ही बता दी, क्लियर, सबको बात समझ आ गई, कोई डाउट तो नहीं। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे पास, नेक्स्ट पार्ट अगली पेज पे देखिए। उसने कहा कि इफ ए बी सी, उसने वर्टिसेस दे दिए ट्रायंगल के एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री, उसने कहा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। तो आपको पहले ही बता दिया, वैसे आप सेक्शन फॉर्मूले से निकाल सकते हो अगर हमने प्रूफ करना चाहें तो विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। कैसे, एक बार जनरल सा बता देती हूँ, करके नहीं बताऊंगी ठीक है, बट आपको नॉलेज होनी चाहिए बेसिक कॉन्सेप्ट की कि ये फॉर्मूला ड्राइव कैसे किया। देखिए इफ दिस इज अ ट्रायंगल, ये एक्स वन वाई वन है, ये एक्स टू वाई टू है, ये एक्स थ्री वाई थ्री है, ओके जी, ये मीडियन है, ये सेंट्रॉइड है, ये इसको 2:1 में डिवाइड करो, मुझे इसके कोऑर्डिनेट निकालने। सबसे पहले ये निकाल, ये कैसे आएगा, एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाय टू, वाई टू प्लस वाई वन बाय टू, आया कि नहीं आया। अब इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं सेक्शन फॉर्मूले से, मैं करके इसके कोऑर्डिनेट्स निकालूंगी, तो ये एक्स वन एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाय थ्री, वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बाय थ्री, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बोला था, अगर प्रूफ करने वाला क्वेश्चन, करके बताऊं, बिल्कुल सेम ही, वहां न्यूमेरिकल वैल्यूज थी, यहाँ जनरल प्रूफ है, बस यही डिफरेंस। ओके जी, क्लियर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन बेटा, यू विल ट्राई दिस एज योर होमवर्क, बट एक बार डिस्कस कर लेती हूँ मैं थोड़ा सा, करना क्या, सेंट्रोइड निकालना था बस। इस लाइन सेगमेंट पे सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे तो ये आंसर आएगा बेटा, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ओके, हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट इज इट क्लियर टू यू, किसी को कोई डाउट तो नहीं? ओके चलिए बेटा, मैं एट्थ क्वेश्चन एक बार आपको हिंट दे देती हूं, ठीक है, आप ट्राई करना, होमवर्क है। क्वेश्चन एट, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाय, मेरे पास एक रेक्टेंगल है, इसके कोऑर्डिनेट सी हैं माइनस वन माइनस वन, माइनस वन फोर, फाइव फोर और फाइव माइनस वन। ओके बेटा, नाउ व्हाट दे हैव रिटन, पी क्यू आर एस जो है, दीज आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी सी डी और डी ए, ठीक है जी। अब उसने कहा है इज द क्वाड्रिलेटर फॉर्म्ड बाय पी क्यू आर एस, उसने कहा कि ये जो क्वाड्रिलेटर है वो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, हमें बताना है। आपको याद हो नाइन्थ में ना ज्योमेट्री में हमने ये प्रूफ किया था, अब यहां पर हमने यहां कॉन्ग्रेंसी का कुछ नहीं लगाना, हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात, पी के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे मिड पॉइंट से, क्यू के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे मिड पॉइंट से, आर के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे मिड पॉइंट से, सिमिलरली एस के निकाल लेंगे। अब भूल जाओ बार वाली फिगर, आपको एक क्वाड्रिलेटर के चार वर्टिसेस दिए हैं, आपने चेक करना है कि वो स्क्वायर है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है। कैसे करते हैं, पहले फोर साइड्स की लेंथ निकालते हैं, पहले तो चेक करते हो कि अगर चारों की चारों साइड्स इक्वल है तो आप कहते हो इट माइट बी स्क्वायर और रोम्बस, अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल है इट माइट बी रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम, फिर आप डायगोनल्स चेक करते हो, कॉन्सेप्ट तो वही है ना, सिर्फ पहला क्या लग गया, मिड पॉइंट ऐड हो गया। हाँ जी, हाँ मैं बेटा, आप इतना लंबा अभी मत टेंशन लो, मैं आपको क्या कह रही हूं, अभी सीबीएसई हमें सेंड करेगी फॉर्मेट, माइट बी मैथ्स में ये पॉसिबिलिटी हो कि वो क्या करे, लॉन्ग क्वेश्चंस के मार्क्स इंक्रीज कर दे,
जहां कैलकुलेशन ज्यादा है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लग सकता, वहां वो क्या करे, 3 नंबर का दे दे। बट आपने सिर्फ आंसर को, आंसर आप तभी क्लिक कर सकते हो जब कैलकुलेट करोगे। बात समझ आई? माइट बी पिक्चर इंसर्ट की कोई ऑप्शन आ जाए, अभी सीबीएसई इज प्लानिंग ऑन दैट। तो ये बार बार मत क्वेश्चन मेरे को पुट किया करो, मैम इतना लंबा क्वेश्चन, सो व्हाट, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो आनी चाहिए ना हमें। लंबा है छोटा है क्वेश्चन जैसा भी है करना है। ओके जी, चले, एनी डाउट इन दिस चैप्टर? बेटा क्यों, अगर दो साइड आपने चारों साइड्स निकाली, दो साइड्स इक्वल आई और दो इक्वल आई, तो वो रेक्टेंगल भी तो हो सकता था। तो रेक्टेंगल के लिए और पैरलोग्राम में यही तो डिफरेंस है, रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल होते हैं, पैरलोग्राम में नहीं होते। डायगोनल चेक करने ही पड़ेंगे हमें, मैं बार बार आपको ये चीज कह रही हूं, यही गलती बच्चे करते हैं, वो तो रेक्टेंगल में भी करते हैं, हम तो डायगोनल की लेंथ से देखते हैं ना बेटा। ओके, क्लियर बेटा? चले आगे। जब किसी क्वाड्रिलेटर का फोर्थ वर्टेक्स निकालना है और आपको कहा है वो पैरलोग्राम है, तब हम मिड पॉइंट का वहां लगाते हैं, तब हमें डिस्टेंस फॉर्मूला या डायगोनल की लेंथ नहीं लगानी। मैं बार बार ये बता रहा हूं, जब भी किसी पैरलोग्राम में फोर्थ आपने वर्टेक्स निकालना है, तब लेंथ इक्वल नहीं करनी, क्या करना है, मिड पॉइंट, तभी आप निकाल सकते हो इजिली। यही छोटे छोटे ट्रिक्स आपको समझा रही है ना, समझ आई मेरी बात? ये आपने अपने दिमाग में रखना। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चले, कोई डाउट तो नहीं पिछले में, शुड आई मूव टू नेक्स्ट? चलिए नेक्स्ट टॉपिक है ना, आज एक थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। आज जो हमने टॉपिक करना है नेक्स्ट जो है, क्योंकि क्वाड्रिनेट ज्योमेट्री हो गया है, तो नेक्स्ट वी विल मूव टूवर्ड द टॉपिक एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। मेरे पास दैट इज ऑन पेज 223 ऑफ योर बुक। ओके, 223 पेज नंबर ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है बेटा। सबसे पहले हम रिकॉल करें एक जो है सर्कल के रिलेटेड चीजें लर्न करें, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एक इंट्रोडक्शन आज हम करेंगे, आपको पता है सबसे पहले तो सर्कल होता क्या है, सर्कल सर्कल होता है, मुझे भी पता है सर्कल, कोई मुझे बता सकता है सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है? A figure with infinite chords? No, no, not at all. एक एक करके, ऐसे नहीं। Okay, a figure having no vertices. I draw this figure. This is also not having a vertex. That means your definition is wrong. हाँ जी सक्षम। A figure with equal distances from center. This is a center. ओके, मैं ये फिगर इतनी की बनाई, यहां हर इक्वल डिस्टेंस नहीं है, कुछ कुछ राइट हो बट नॉट कंप्लीट। ओके, इसको लिटिल बिट हम बेसिकली, अगर मैं इसको मैथमेटिकल फॉर्म में समझाऊं ना, बिल्कुल सक्षम और जो है प्रिंसी का कॉन्सेप्ट मिलता जुलता है। इट इज अ लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, हुज डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट ऑलवेज रिमेन द सेम। द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड अ सेंटर एंड द फिक्स्ड डिस्टेंस is called a radius. मतलब locus का मतलब यहां पर एक boundary, मतलब मैंने एक thread लिया, suppose मेरे पास जो है ना ये thread है, सिर्फ इतना है, मैंने यहां से fix कर दिया, मैंने यहां पर mark किया, ये देखिए
मैंने ऐसे रखा, मैंने यहां मार्क किया, फिर यहां लेके गई, यहां लेके गई, इन सारे पॉइंट्स को मैंने क्या कर दिया, मार्क कर दिया, और उन सबको क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। जो ये फिक्स मैंने यहां पर जो ये फिक्स रखा था, ये सेंटर और ये फिक्स डिस्टेंस इतना ही था ना, ये क्या हो गया मेरा रेडियस, उन सब पॉइंट्स का लोकस, मतलब उनको कंबाइन करके एक फिगर बनी, दैट इज अ सर्कल। पहले तो क्योंकि नॉर्मली हमें सर्कल की डेफिनेशन पूछी जाती है तो वी आर नॉट अवेयर, हम ऐसे ही बोलते हैं, बट एग्जैक्ट डेफिनेशन तो ये, ठीक है। अब सर्कल का अभी तक आपने लोअर क्लास में, हाँ जी बेटा, लोअर क्लासेस में अभी तक हमने सर्कल के रिलेटेड टू थिंग्स की हैं, वो क्या किया बता सकते हैं, सर्कमफ्रेंस एंड एरिया, वेरी गुड, है ना। सर्कमफ्रेंस हम कहते हैं ये बाउंड्री, ओके, सिर्फ बाउंड्री, बाउंड्री की लेंथ, और एरिया जब मैं बात करती हूं दैट मींस इनर पार्ट, ये सब। अच्छा, आप में से मुझे कोई बता सकता है, मुझे याद है आज भी कि मैंने आपको एट्थ में आपकी क्लास को सर्कमफ्रेंस और पेरीमीटर में एक डिफरेंस बताया था। अगर मेरे पास ये फिगर है, आप सर्कमफ्रेंस कहते हो, जब ये फिगर बन गई आप पेरीमीटर कहते हो, अगर ये फिगर है इसकी बाउंड्री को क्या कहेंगे, मैंने बाउंड्री की बात की है, पेरीमीटर। रीजन, सर्कमफ्रेंस जो वर्ड है ना वो सिर्फ ऐसी फिगर के साथ डील करता है जिसमें सिर्फ कर्व्ड पार्ट आए, कर्व्ड, ओनली कर्व्ड पार्ट। इस फिगर में दोनों पार्ट्स हैं, ये लाइन सेगमेंट, ये कर्व पार्ट। अगर मैं आपको कहूं ना ये डी एस्पोज, हाफ सर्कल, सेमी सर्कल, अगर मैं कहूं कि इसका सेमी सर्कमफ्रेंस निकालो, इफ आई राइट फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल, तो आप आंसर लिखते हो पाई आर, एम आई राइट, लिखते हो। अगर मैं कहती फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर, तो मतलब ये पाई आर तो आना ही आना है, साथ में ये एल इंटू बी, क्यों, ये डायामीटर है आर प्लस आर, तो मतलब पाई आर प्लस टू आर। कभी भी ऐसी फिगर लिखी होगी ना तो आप देखना वहां कभी वर्ड नहीं लिखा होगा सर्कमफ्रेंस, आप निकालते बाउंड्री हो, बट वर्ड पता क्या लिखा होगा, पेरीमीटर। रीजन, क्योंकि यहां लाइन सेगमेंट वर्ड ऐड हो गए, यहां लाइंस ऐड हो गई कर्व के साथ साथ, ये बात सबको क्लियर हो गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। जब भी अगर कोई फिगर ऐसे है, ये पिज्जा का 1/4 पीस है, मैं कहूं कि सर्कमफ्रेंस बताइए इसका, तो बेसिकली वो सर्कमफ्रेंस कभी नहीं लिखेगा, सर्कमफ्रेंस तो बेटा कर्व पार्ट की होती, वो क्या लिखेगा, पेरीमीटर। कि अगर मैंने बाउंड्री पे केक बनाना है इस शेप में, और मुझे चाहिए, मैंने कोई थ्रेड लगाना है, एडिबल थ्रेड लगाना है जिसको हम खा सकते हैं, तो मुझे कितना थ्रेड चाहिए, तो वो मुझे बोलेगा इसका कितना पेरीमीटर है, वो वर्ड सर्कमफ्रेंस नहीं बोलेगा। मेरी बात क्लियर हो गई, सबसे मेन इंपॉर्टेंट तो यही बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, पेरीमीटर और उसमें डिफरेंस। ओके जी, अब तो वो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है ना फिर, अगर सर्कल की फिगर है, ये सर्कल का ही पार्ट है, पेरीमीटर क्यों ले रही हूं, क्योंकि इसमें दो रेक्टेंगल रेडियस आ गए, इसीलिए, क्योंकि जब लाइन सेगमेंट वर्ड आ गया मैथ्स में, वो एग्जैक्ट वर्ड क्या होता है बेसिकली, वो पेरीमीटर हो जाता है जब कोई स्ट्रेट लाइन आ जाती, क्योंकि पेरीमीटर वर्ड स्ट्रेट लाइन के साथ डील करता है, सर्कमफ्रेंस वर्ड कर्व के साथ। अगर पेरीमीटर वास्ट, वास्ट वर्ड है सर्कमफ्रेंस का, मतलब उसमें लाइन सेगमेंट भी आ जाती है, कर्व पार्ट भी आ जाती है। हमने कभी भी सर्कल में पेरीमीटर वर्ड नहीं यूज किया, कभी किया, क्यों, सर्कमफ्रेंस ही कहते थे, बाउंड्री ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस,
रीजन यही था क्योंकि बेटा वहां पर हम लिमिटेड में आ गए कि जब कर्व्ड फिगर है तो क्या वर्ड बोलेंगे, सर्कल। पेरीमीटर एक वास्ट है, उसमें कर्व्ड भी आ जाता है, स्ट्रेट लाइन भी आ जाती है। ओके जी, बात समझ गई। अब आप लोगों ने मेरे पास जो है एरिया और सर्कमफ्रेंस की बात करें, एरिया ऑफ सर्कल, वेरी गुड, पाई आर स्क्वायर, ठीक है जी। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, वेरी गुड, पाई आर स्क्वायर बाय टू। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, हाँ जी, दैट इज पाई आर स्क्वायर बाय फोर। क्वाड्रेंट मतलब फोर्थ पार्ट ऑफ अ सर्कल। जब हम पिज्जा को जो है पूरे चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, केक को पूरे फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, जो फोर्थ पार्ट, एनी वन पार्ट, दिस इज क्वाड्रेंट। और ये 100%, यहां 90 डिग्री एंगल होंगे। सर्कल छोटा बड़ा जैसा मर्जी हो जाए। ओके बेटा, बात क्लियर। एरिया में ऐसे हम जैसे एरिया जब भी आए ना, जितने पार्ट्स में कहा है उतने में आप डिवाइड कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेकिन जब वर्ड पेरीमीटर आता है तो हमें सोचना पड़ता है। ओके जी, लेट अस सी। पहले तो सर्कल की सर्कमफ्रेंस, अगर मुझे लिखा जाए सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, या पाई डी भी लिख सकती हूँ क्योंकि डी जो है वो 2 आर होता है, होता है कि नहीं होता। अब मैं सर्कमफ्रेंस लिख दू सर्कल का या पेरीमीटर लिख दू, सर्कल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रीजन, बाउंड्री है ही कर्व्ड है ना, कर्व। बात करूं सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, आप क्या लिखते हो, पाई आर। वर्ड है सर्कमफ्रेंस, वो सिर्फ आउटर बाउंड्री। आप फिगर बना के इसको ऐसे कर लो, ये वाला पार्ट। लेकिन अगर मैं लिखती पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल पाई आर प्लस 2 आर, रीजन ये पार्ट भी आना है, ये पार्ट भी आना है। ओके जी, इसको अब हम डिस्कस करेंगे टुमारो ऑन मंडे।